पेशन और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। चर्चा हम कर रहे हैं राज्यसभा की जंग को लेकर, और इसमें एक नया ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने नाम लिया एक ऐसी शख्सियत का जिनका कार्यकाल तो पूरा हो रहा है और दूसरे कार्यकाल की कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि राज्यसभा अगर भेजा जाए तो विवेक तन्खा को भेजा जाना चाहिए। अब इससे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले तो ऐसा लगा था कि शायद अपनी पार्टी से नाराज चल रहे अरुण यादव को मनाने के लिए आलाकमान उन्हें राज्यसभा भेज सकता है। दिल्ली में जिस तरीके से मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी की अरुण यादव के साथ और उसके बाद जिस तरह से हालात बदले मध्य प्रदेश में, तब ये लग रहा था कि अरुण यादव ही राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। लेकिन कांग्रेस की आज शाम जो बैठक होनी है उससे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह का जो बयान आया है अब उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। डीएनएन के एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री ने डॉक्टर गोविंद सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें यह सवाल भी उठा कि क्या राज्यसभा अरुण यादव को भेजा जाना चाहिए। तो इसके जवाब में गोविंद सिंह ने कहा कि राज्यसभा के लिए विवेक तन्खा जो है वो परफेक्ट उम्मीदवार हैं। एक सीट कांग्रेस की पक्की है और नेता कई हैं, दावेदार कई हैं, ऐसे में किसके खाते में सीट जाएगी ये तो बाद में बताएंगे या बाद में तय होगा कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक नई बहस जरूर छिड़ गई है कि आखिर कांग्रेस से राज्यसभा कौन जाएगा। तो पहले गोविंद सिंह का वो बयान आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने डीएनएन से बातचीत में, आइए पहले वो सुनवाते हैं आपको। चाहे हमने तो फिर मान के चलें कि विवेक तनखा का हक बनता है, कश्मीरी है और वकालत है, वकील है, अभी कांग्रेस को लड़ाई अदालतों में भी लड़ना है। सवाल है, सच्चाई है, वो पूरे देश में एकमात्र कश्मीरी सांसद है और आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का मुद्दा उठा रही है, इसलिए हमारे विवेक तनखा जी का हक ज्यादा बनता है। अरुण यादव को पीछे छोड़ रहे इसलिए विवेक तनखा, नहीं ये मैं नहीं कह सकता। हमारे अजय सिंह क्यों नहीं, मेरे लिए तो अजय सिंह जी और अरुण यादव तनखा जी से ज्यादा हमारे व्यक्तिगत संबंध है और व्यक्तिगत हमारे मित्रता है और सम्मान, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज एक परिस्थिति में अजय सिंह और अरुण यादव जी आज मध्य प्रदेश में चुनाव उनकी ज्यादा जरूरत है। कम तनखा जी यह इतना समय नहीं दे पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के और पूरे कांग्रेस के मीडिया उसके कोऑर्डिनेटर इसलिए उनको रहना वो आवश्यक है। जो लोग हम लोग फील्ड वाले हैं, कमलनाथ अरुण यादव जी का अपने क्षेत्र में प्रभाव है, अजय सिंह का भी पूरे प्रदेश और क्षेत्र में प्रभाव है और दिग्विजय सिंह भी सक्रिय रहेंगे। सिंह से अरुण यादव से दोनों से मेरे बहुत बढ़िया संबंध है, बावजूद इसके उनकी ये निजी राय कह लें, निजी विचार कह लें कि विवेक तन्खा का हक ज्यादा बनता है क्योंकि वो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी सांसद हैं, उस नाते उन्हें भेजा जाना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके जरिए हम कांग्रेस की इस बड़ी बैठक से पहले एक बड़ा चिंतन मंथन जो कांग्रेस दफ्तर में होगा उससे पहले एक बड़ा विश्लेषण यहां करेंगे कि आज इस बैठक में क्या खास हो सकता है और क्या राज्यसभा को लेकर एक नए सिरे से कोई बहस कांग्रेस में छिड़ सकती। परिचय करवाते हैं हम अपने मेहमानों का। हमारे साथ में सुशील शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है सुशील जी। और जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे महेंद्र विश्वकर्मा जी भी और गीत दीक्षित जी भी, उनका परिचय करवाते हैं हम। लेकिन पहले सुशील जी एक कमेंट आपसे ही चाहेंगे, ये जो डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब आपको भी लगा होगा कुछ दिन पहले जिस तरह दिल्ली में मुलाकात हुई अरुण यादव की सोनिया गांधी से और वो संतुष्ट होकर के निकले, उन्होंने समर्थकों को कुछ फोन वोन लगा के कहा, तो ऐसा लगा कि शायद या तो पीसीसी चीफ या फिर राज्यसभा की सीट। लेकिन अब जो डॉक्टर गोविंद सिंह के स्वर विवेक तन्खा के पक्ष में, कैसे देखते हैं आप, क्या महसूस हो रहा है आपको? नहीं देखिए दीपेश जी, मुझे लगता है कि गोविंद सिंह बहुत विद्वान राजनीतिज्ञ है और वो कांग्रेस की अंदरूनी जो रणनीति को भी समझते हैं, उसको उस पक्ष को उन्होंने जो है स्पष्ट तरीके से आपके एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री जी के समक्ष रखा भी है। और मुझे भी यही लगता है कि विवेक तन्खा को ही दोबारा मौका दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी देश का जो राजनीतिक माहौल हाल ही में जो बदला है, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को लेकर जो बात चली है वो एक बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे में भी जो है यदि आप
अब टिकट नहीं देते तो बीजेपी को एक फिर से बड़ा मौका मिल जाएगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि आप विवेक तन्खा को टिकट नहीं देते हैं तो फिर मध्य प्रदेश में एक अनार सौ बीमार वाली बात है, क्योंकि अगर आप टिकट के पक्ष में भी बात कर लें, मध्य प्रदेश के दो बड़े नेताओं के संबंध में यदि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की ही बात कर लें तो उनकी भी पहली पसंद विवेक तन्खा ही होंगे। तो इन दोनों नेताओं की बिना सहमति के, बिना उनका सुझाव लिए मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में हाईकमान कोई और निर्णय ले सकेगा या ले सकने में अभी सक्षम है। तो ये सारे जो राजनीतिक माहौल हो, पॉलिटिकल जो है विवेक तन्खा की जो है संबंध हो, वो सब जो है इस पक्ष में जाते हुए दिखते हैं। मुझे लगता है कि अरुण यादव और अजय सिंह को भी दिल्ली बुलाया इसीलिए गया होगा कि आपकी तरफ से राज्यसभा में किसका नाम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई कैंडिडेट खुद की उसको ही बुलाया जाएगा। लॉबिंग आप कर सकते हैं, लेकिन लॉबिंग के साथ साथ आपसे पूछा भी जाएगा, यदि अरुण यादव नहीं तो कौन, यदि अजय सिंह नहीं तो कौन। अच्छा, तो ये जब ये बात भी होती है तो फिर आपको जवाब देना ही पड़ता है। और उन सब अगर उसमें देखे जाए तो एक पूरे समीकरण इस वक्त विवेक तन्खा को रिपीट करने की तरफ मुझे लगता है जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में गीत दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर और कांग्रेस को वो काफी करीब से देखते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत करते हुए पहला कमेंट गीत जी आपसे,